सुप्रभातः नमो नमः संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 6 काष्ठ खंडः अ पीस ऑफ वुड। इस लेसन में हम गुरुकुल परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। गुरुकुल प्राचीन भारत में अपनाई जाने वाली सदियों पुरानी प्रणाली है, जहां छात्र शिक्षक के साथ रहता है, सेवा करता है और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक, पिता और रोल मॉडल थे। कुल का मतलब परिवार है, लेकिन यह विस्तारित परिवार था जिसमें स्कूल भी शामिल था। इसी के आधार पर अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि गंगा तीरे एकः गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीतः। गंगा नदी के तट पर गुरु अपने शिष्य के साथ रोमिंग कर रहे थे। सह स जल प्रवाहेण नियमान कंचन काष्ठ खंड दर्शयन शिष्य माह अहम अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति, परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता भार अधिकेन जले निमग्नता आवर्तपातता नदी जल वियोगश्चेति चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। उस पानी के बहाव में जाते हुए लकड़े के टुकड़े को देखकर अपने शिष्य से कहते हैं कि ये लकड़े का टुकड़ा पानी के बहाव के साथ समुद्र में पहुंचेगा, लेकिन अगर मार्ग में चार विघ्न नहीं आएंगे तो, जैसे कि वो किनारे से दूर चला जाए, अपने भार के अधिकता के कारण डूब जाए या फिर भवंडर में फंस जाए और लास्ट में कहते हैं कि नदी के पानी से अलग हो जाए तो। अब इस पूरे पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन करेंगे। A certain preceptor was wandering about on the bank of river Ganga with his disciple. Pointing out to a piece of wood being taken away by the current of water, he said to the disciple, "This will reach the ocean with the current of water, but if on the way of its going, the four obstacles such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool and separation from the water of the river do not occur, only then it will reach the ocean." Guru agre upadishati shishyam. Guru apne shishya ko aage upadesh dete hai. Vayam sarve manavaha api kashta khanda iva. हम सब मनुष्य एक लकड़े के टुकड़े के समान है। अस्माकम जीवनम एव नदी, अस्माकम जीवनम एव नदी, हमारा जीवन एक नदी है। परिवार प्रवाह रूप, और हमारा परिवार है वो प्रवाह के जैसा है। तत्र स्नेह रूपम जलम वहती, वहाँ पे स्नेह रूपी जल बहता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः काष्ठ रूपा वयम सुखपूर्णम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुम यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति भवन्ति। अगर हमारे जीवन में ये चार विघ्न न आए तो हमारा जीवन भी अच्छे से संपन्न हो सकता है, या फिर सुखी संसार को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इस पूरे पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन करेंगे। The preceptor further instructs the disciple, "All human beings like us are also like pieces of wood. Our life itself is a river. The family is like the current. The water of love flows in it. Leaving life in our own family, we, like pieces of wood, will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if four obstacles do not occur." जीवने किदृशः विघ्नः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत। हमारी लाइफ में और कितने विघ्न होते इसके बारे में शिष्य अब अपने गुरु से पूछता है। Translation: The disciple asked, "What are the obstacles in life like?" गुरुः समुपादिशत नदी रूपे जीवने आहारा निंद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति।
गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं कि नदी रूपी जीवन में आहार, निंद्रा और भय एक तीर समान है। तीरेषु समलग्नता लग्नता नाम आहारा निंद्रा भयादिनाम सेवने सततम प्रवृत्ति ही। नदी के किनारे पर रहना मतलब आहार, निंद्रा और भय, इन तीनों का सेवन करना और सतत उसमें ही प्रवृत्त रहना। वस्तु तस्तु आहार दयः सेवन्या भवन्ति तथापि तत्र सततम समलग्नता विघ्न एव। रियली में हमारा आहार लेना एक सेवा योग्य है, लेकिन उसमें सतत ही प्रवृत्त रहना एक विघ्न जैसा ही है। आहार निंद्रा भयादिषु सततम प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति चेत् काष्ठखण्डा रूपः वयम् सुखरूपम् समुद्रम् प्राप्तु न शक्नुमः। आहार निंद्रा और भय, इन तीनों में सतत ही हम प्रवृत्त रहेंगे तो कभी भी सुख रूपी सागर में पहुंच नहीं पाएंगे। इस पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते हैं। The preceptor duly advised, in the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks. Being stuck up to the banks mean constant activity of eating food, sleeping or being afraid. Now, actually food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there, we will, like the piece of wood, cannot reach the ocean of joy. ऊपर जो पैराग्राफ हमने किया वो मनुष्य के जीवन में पहला विघ्न था, अब दूसरा विघ्न क्या है वो देखते हैं। सामाजिको व्यवहारो भार रूपो हो भवति। हमारा सामाजिक व्यवहार है ना, वो भी कभी कभी भार रूप बन जाता है। अद्य अपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्र एव अपेक्षितो भवति, परंतु सह शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत। ये जनाः स्वकीयाम शक्तिम अतिक्रम्य सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति ते अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव निमज्जितः जनः सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति। सामाजिक व्यवहार की हर जगह पर एक उम्मीद होती है, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सामाजिक व्यवहार करता है वो अपने ही भार के नीचे आकर डूब जाता है, और डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी संसार सुख रूपी संसार को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये पूरे पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन करेंगे। सोशल लाइफ बिकम्स बर्डनसम। Even though sociable behavior is variably expected everywhere, it should not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life crossing the limit of their strength surely get drowned by its unbearable weight. A person drowned cannot reach the ocean of the world of happiness. अब थर्ड नंबर का विघ्न मनुष्य के लाइफ में कैसा आता है, तो कि सुरा पानम अक्ष क्रीडा तमाकू भक्षणम चोर कर्म इत्यादि ही दुर्व्यसनानी मानव जीवने आवर्त भूतानी संति। शराब पीना, गैम्बलिंग करना, तंबाकू का सेवन करना और चोरी करना, ये सारी खराब आदतें मनुष्य जीवन में एक वर्लपूल जैसी है। एषु पतितो जनः बहिः आगन्तु न शक्नोति, अतः तत्र पतनेम पतन एव न भवेत, तादृश प्रयत्नम सततम करणीयो भवति। ये सभी में पड़ा हुआ मनुष्य बाहर नहीं आ सकता और उसका पतन हो जाता है। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति तेषां प्रगतिः बाधिता भवति। और जो व्यक्ति आदत में पड़ा है वो तैरता हुआ भी वर्लपूल में फंस जाता है और उसकी अधोगति होती है। तस्ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तु नार्हन्ति, वो कभी भी सुखमय संसार को प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस पूरे पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन करेंगे। ड्रिंकिंग, प्लेइंग डाइस, च्यूइंग टबैको, एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड सच अदर वाइसेस आर द
whirlpools in human life. The person fallen into these cannot come out of them. Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place, even though they float. Their progress is hampered, then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. Parivarata vimuktvam eva nadi jala viyogah. मनुष्य जीवन का लास्ट विघ्न है कि परिवार से अलग होना मतलब नदी के पानी से अलग होना। सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयम् संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्थः भवाम। वैसे तो सामान्य रीत से परिवार में रहते हुए हम अपने संसार सागर में पहुंचने के लिए समर्थ है, लेकिन परंतु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् वा परिवारत प्रतिमुखो भवति सः अपि नदी यानी परिवार जल यानी स्नेह वियुक्तः कदाचित् अपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति। परंतु जो कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण या फिर क्रोध के कारण परिवार से अलग हो जाता है, तब वह परिवार के स्नेह से वंचित होकर उसमें ज्ञान और सुख से भरा समुद्र जो संसार समुद्र उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अब पूरे पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन करेंगे। पार्टिंग वेज विद द फैमिली इज इटसेल्फ लाइक सेपरेटिंग फ्रॉम द वाटर ऑफ अ रिवर। Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family, being overpowered by selfishness or anger, he being separated from the water of the river never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. और लास्ट में गुरुजी कहते शिष्य को चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। चारों विघ्न से सुरक्षित व्यक्ति ज्ञान और सुख से भरपूर आनंद रूपी संसार सागर को अवश्य प्राप्त करता है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। The people saved from the four obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness. Astu, thank you.